गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है। भारत में गंगा नदी को आस्था के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। गंगा को विश्व में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जाना जाता है। गंगा का उद्गम स्थल हिमालय के दक्षिण ढलान पर गंगोत्री हिमनद से है। गंगा के पानी को अमृत के समान माना जाता है। गंगा नदी लगभग 2510 किलोमीटर लंबी है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है और इसे माँ कहा जाता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर गंगा का अवतरण राजा भागीरथ के कठिन तप से हुआ है। वेदों में कहा गया है कि गंगा पर्वत राज हिमालय की पुत्री है। गंगा को ऋग्वेद में जाह्नवी कहा जाता है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। माना जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से पानी एक समय के बाद खराब होने लगता है, पर गंगा जल के साथ ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है, जिसके कारण गंगा की नदी का पानी हमेशा शुद्ध बना रहता है और कभी खराब नहीं होता। गंगा में राफ्टिंग की भी की जा सकती है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठाते हैं। गंगा नदी की अधिकतम गहराई 100 फीट है अथवा 31 मीटर है। हरिद्वार से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा के किनारे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, ऋषिकेश, भागलपुर जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। इलाहाबाद प्रयाग में गंगा का संगम यमुना नदी से होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा में एक डुबकी लगाने भर से जीवन काल के सारे पाप धुल जाते हैं। भारत और बांग्लादेश की कृषि में गंगा नदी का बहुत बड़ा सहयोग है। गंगा नदी में मत्स्य उद्योग बहुत जोरों पर होता है। गंगा में मछलियों और सर्पों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गंगा नदी में रहती है। गंगा उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदर वन तक विशाल भूभाग को सींचती है। हिंदू लोग अपने हर त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग करते हैं। मकर संक्रांति के दिन लाखों लोग गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने गंगा नदी को भारत की पहली जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है। झारखंड के रामगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां गंगा जल अपने आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर गिरता है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर की गंगा नदी जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान पर गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। हुगली से मुहाने तक गंगा नदी हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा और बंगाल की खाड़ी के मिलने से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन बनता है। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। गंगा पर फरक्खा, टिहरी, भीमगोड़ा जैसे बांध बने हुए हैं। गंगा सफाई के लिए कई अभियान चले हैं, पर कोई संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये थी भारत की पवित्र नदी गंगा नदी के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।